अच्छा, एज प्रॉमिस्ड, बड़े दिनों से हम लोग ये कह रहे थे कि श्वेता और मैं आएंगे, और शायद इंडियन क्रिकेट का सबसे विवादित मामला सौरव गांगुली बनाम ग्रेग चैपल, आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस अकाउंट इसलिए क्योंकि मैं और श्वेता उस वक्त ट्रैवल करते थे टीम के साथ, और जो विवाद हुआ वो विवाद उसके बाद जो हियरिंग हुई मुंबई में, जहाँ पर ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली से बोर्ड के अधिकारी मिले, उसके बाद सौरव गांगुली ने क्या कहा और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो दरअसल उसकी दो तरह की कवरेज थी। एक वो जो सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए देखते थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक पड़ाव पर हुई थी, बिल्कुल। और दूसरा वो जो दो आई विटनेस, जो दो गवाहों को आप देख रहे हैं, जो दो आंखों से देखा और कानों से सुना, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की भी बातें सुनते थे, बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की भी, आप चाहे इत्तेफाक कहिए या फिर ये कहिए कि पत्रकारिता में उतने साल गुजर चुके थे कि कई लोग भरोसा करते थे, और उस भरोसे को बिना तोड़े उस कहानी की कड़ियों को आपके सामने, दोनों की तरफ से, दोनों तरफ से। तो थोड़ा सा मैं आपको तर्जुमा दे दूं कि हुआ क्या था। सौरव गांगुली कप्तान थे भारत के, सौरव गांगुली कप्तान थे, जॉन राइट कोच थे, और टीम अच्छा खेल रही थी, टीम विदेश में जाकर पाकिस्तान में भी जीती। लेकिन जब पाकिस्तान भारत आया 2005 में और वो सीरीज 1-1 से बराबर हुई, बैंगलोर टेस्ट भारत हार गया और वनडे सीरीज पाकिस्तान जीत गया, वो जॉन राइट की आखिरी सीरीज थी, तो जॉन राइट ने पहले ही कह दिया था कि मैं कोच के तौर पर इसके बाद काम नहीं करूंगा। उसके बाद अगला कोच बनना था, अब अगला कोच बनाना था जगमोहन डालमिया, जो कि एक तरह से इनडायरेक्ट बोर्ड प्रेसिडेंट थे, हालांकि रणबीर महिंद्रा उस वक्त बोर्ड प्रेसिडेंट थे और सौरव गांगुली थे कप्तान। श्वेता, ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली जो है ना, वो भाई भाई थे, दरअसल चाचा भतीजा थे, क्योंकि जब याद है जब ग्रेग चैपल आए थे और पहला इंटरव्यू वो दे रहे थे, तब मैं गई थी और आपका ही ताज में शायद मेरा ख्याल है, नहीं हम बेंगलुरु गए थे उस इंटरव्यू कैंप के लिए, कैंप के लिए जी, तब ग्रेग चैपल ने पहली बार किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था। तो बाकी सवालों के बीच एक सवाल आपने मुझसे पूछने के लिए कहा था कि वही ग्रेग चैपल जो खिलाड़ी के तौर पर कभी हिंदुस्तान नहीं आए, वो एक कोच के तौर पर कैसे तैयार हो गए, उखड़े थे वो इस सवाल पर। और हालांकि उस दिन उन्होंने जितनी बातें कही थी उसमें सौरव गांगुली उनके प्रिय नजर आ रहे थे, बिल्कुल। हुआ क्या था, बैकग्राउंड ये था कि 2003-04 में जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, पहला टेस्ट मैच था ब्रिस्बन में, और पहले टेस्ट मैच से पहले ऑब्वियसली क्योंकि टूर गेम्स भी थी उस जमाने में, तो इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, तो टूर गेम्स थी, और ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ग्रेग चैपल ने एक दिन सौरव गांगुली को अपने घर डिनर पर बुलाया और उनको कुछ टिप्स दी, डिनर करते करते उन्होंने उनके ग्रिप को थोड़ा ठीक किया सौरव गांगुली के। अब देखिए आज ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली के ग्रिप को ठीक किया और ब्रिस्बन में सौरव गांगुली ने 100 बना दिया। सौरव गांगुली ऑब्वियसली उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ग्रेग चैपल ना होते तो मैं 100 ना बनाता, और ग्रेग चैपल ने उस वक्त एक किताब लिखी थी श्वेता, उन्होंने कहा था कि सौरव को मैं अपने, उनके दो बेटे हैं शायद, तीसरे बेटे के तौर पर देखता हूँ। तो दादा जो हैं हमारे वो तो इनामर थे वैसे ही फॉरन कोचिज को लेकर। जॉन राइट जब जा रहे थे 2005 में तो उन्होंने ग्रेग चैपल से अप्लाई कराया। अब उस वक्त मेरे ख्याल मोहिंदर अमरनाथ भी थे, डेसमंड हेन्स भी थे, शायद एक दो और विदेशी खिलाड़ी थे, लेकिन हैरानी नहीं हुई क्योंकि सौरव गांगुली अगर चाहते थे ग्रेग चैपल कोच हो तो ग्रेग चैपल कोच हो गए। ये पीरियड ये देखिए, ये जॉन राइट के साथ अनुभव इतना अच्छा था कि आपको लगा कि विदेशी कोच ही हिंदुस्तान के लिए बेहतर, क्योंकि उससे पहले के अनुभव खराब रहे थे, चौक एंड चीज थे लेकिन दोनों, बिल्कुल उस समय तक पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है इन दोनों के बीच। जॉन राइट कोच थे और ग्रेग चैपल कोच कप्तान थे, मतलब ग्रेग चैपल, देखिए अब यह हमें नहीं पता कि ग्रेग चैपल का इंटेंट गलत था या सही था, लेकिन तरीका उनका बड़ा गलत था। थोड़ा मैं तारीखों के लिहाज से बताऊं, अगर जो लोगों ने इसे पूरा फॉलो नहीं किया, ये जुलाई 2005 के करीब ये जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और सौरव ये जो आप बैंगलोर के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं वो इंटरव्यू में भी श्वेता ने किया था शायद 4 जुलाई 2005, और चैपल ने ये देखिए ये बोला, उन्होंने कहा कि कप्तान यानी कि सौरव गांगुली इज द बॉस ऑफ द टीम, और हम दोनों के बीच मतलब कोच और कप्तान के बीच रिश्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये है कि कप्तान के काम में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। हुआ लेकिन ये कि जो पहली असाइनमेंट थी उसमें गांगुली कप्तान ही नहीं थे। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। जी बताइए। मैं बता दूं, ग्रेग चैपल हमेशा, उससे पहले क्या होता था, जॉन राइट ब्रेकफास्ट पे आए ना आए साथ में, ग्रेग चैपल जरूर आते थे, लगभग लगभग जब आखिरी खिलाड़ी खा रहे होते थे, उनकी पत्नी भी आती थी, और उन्हें बड़ी एक अजीब सी आदत थी, वो जला हुआ टोस्ट खाती थी विक्रांत। अच्छा, हाँ, वो क्यों पता नहीं। उन्होंने कहा सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने आजमाने की कोशिश की थी, बस ऐसे ही ऑफ हैंडेडली याद आ गई इसलिए। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, दरअसल ये बड़ा दिलचस्प है कि जो ग्रेग चैपल की पहली असाइनमेंट थी वो श्रीलंका में था,
वो वनडे सीरीज थी उसमें सौरव गांगुली कप्तान ही नहीं थे, उसमें राहुल द्रविड़ कप्तान थे, क्योंकि सौरव गांगुली पर बैन लगा हुआ था, वो पाकिस्तान की सीरीज का बैन अभी चल रहा था और राहुल द्रविड़ कप्तान बनकर गए। लेकिन इस दौरान बैंगलोर में जिस कैंप की श्वेता बात कर रही हैं, सौरव उस टाइम काउंटी क्रिकेट खेलते थे, लैंकशायर से तो नहीं, पता नहीं किस काउंटी से खेलते थे, ग्लैमॉर्गन से खेलते थे। और सौरव गांगुली के पास एक लाल रंग का किट बैग हुआ करता था और वो मैंने दादा को कहा था, दादा बड़ा मनहूस किट बैग है वो, पाकिस्तान दौरे से मैंने वो किट बैग देखा था और दादा ऑब्वियसली उनसे रन भी नहीं बनते थे। अच्छा नहीं, और दादा कभी भी ना वो स्टाइल के साथ नहीं, जैसे युवराज सिंह या आज के दौर में विराट कोहली जैसे कभी नहीं रहे। आपको याद है वो हियरिंग में वो इंडिका गाड़ी से आए थे जो कि एक टैक्सी थी और लेकिन वो बीसीसीआई ने शायद उनकी इंसल्ट भी की थी, वो कहानी आप बचा के रखिए क्योंकि अभी हम आगे जाएंगे। वो वाकई में एक कप्तान के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी, इंडिका कार में, फाइव स्टार होटल, सौरव गांगुली की गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती। तो वो दो दिन के कैंप में जब सौरव आए बैंगलोर में, सिर्फ दो दिन के लिए आए, कैंप था वो ग्लैमॉर्गन से आए दो दिन के लिए, और लाल रंग का किट बैग मैंने टंगा देखा, मैंने कहा दादा अभी तक आपने इस किट बैग को बदला नहीं, तो दादा कहाँ बदलने वाले हैं। तो दादा ने कहा कि नहीं मैं बदल दूंगा, लेकिन वो देखिए मनहूस किट बैग मनहूस रहा। खैर उसके बाद श्रीलंका गए, भारत हार गया, उसके बाद टीम गई जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे उस टाइम पर अच्छी टीम थी। जिम्बाब्वे का दौरा वैसे भी खूबसूरत जगह है, लेकिन लड़ाई जो है वो वहीं से हुई, तकरीबन 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच जो 4-5 दिन थे श्वेता, उसी में सारा हंगामा हुआ। आपको याद होगा उस दौरे पर हम थे और क्या हुआ कि टूर मैच में सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच बातचीत हो रही है। अब मुझे लगता है कि ग्रेग चैपल जब भारत आए, बैंगलोर कैंप हुआ और सौरव चूंकि काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे और फिर सौरव नहीं थे शुरू में श्रीलंका में, बाद में आए, शायद ग्रेग चैपल ने जो टीम के खिलाड़ियों से बात की, उन्हें ये लगना शुरू हो गया कि सौरव गांगुली शायद कप्तान के तौर पर अपनी यूटिलिटी को आउटलिव कर चुके हैं। तो आपको याद है वो टूर मैच मतारे में था, कहाँ पे, बुलावायु में था शायद। तो उस टूर मैच में सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल आपस में बात कर रहे हैं और ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली को डिनर पर सीधा मुंह पर कह दिया, और तब तक सौरव ये सोच रहे हैं कि ग्रेग चैपल तो मेरे आदमी है। सौरव गांगुली को ग्रेग चैपल ने सीधा कह दिया कि सौरव तुम कप्तानी छोड़ दो, तुम्हारे से रन नहीं बन रहे हैं, और अगर तुम कप्तानी छोड़ोगे तो तुम्हारी बैटिंग अच्छी होगी। सौरव तो लेकिन ये बात कभी पब्लिक में नहीं आई थी उस समय, उस टाइम पे नहीं आई, बाद में बहुत बाद में। और उस टाइम पे तो सौरव एकदम ही वाज टेकन बैक, आई थिंक पहली सेटबैक दादा को तभी लगी शुरू कि ये क्या, मैं तो कोच लेकर आया और मेरे से कप्तानी जाने की बात कर रहे हैं। खैर उसके बाद टेस्ट मैच था बुलावायु में, 12 सितंबर को शुरू होना था, एक शाम पहले, और यहां से कलेश जो है वो शुरू होता है। सौरव गांगुली जाते हैं कोच के पास, ग्रेग चैपल के पास, कि ग्रेग मैं क्या करूं, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह में से एक को खिलाना है, किसको खिलाऊं। और ग्रेग चैपल का जवाब आपको याद है श्वेता, उन्होंने कहा कि दोनों को खिलाओ। जैसे श्वेता ने आपको बताया ना, ग्रेग चैपल ने सीधा सौरव के मुंह पर कह दिया दोनों खेलने चाहिए। तो सौरव ने कहा फिर बाहर कौन बैठेगा, ग्रेग चैपल कहते तुम आप बैठिए। तो ग्रेग चैपल ने 4 दिन में पहले सौरव को कहा कप्तानी छोड़ो और उसके बाद कह दिया टीम से बाहर बैठो। और उस टेस्ट मैच में सौरव ने 100 बनाया, शायद 260-270 गेंदों में, बहुत स्लो 100 था, और मुझे याद है उन्होंने कवर ड्राइव बनाकर 100 किया। तब तक ये बात बाहर नहीं आई थी। क्या ये उस तस्वीर के साथ बाहर आई है जिसमें हम ग्रेग चैपल को देखते हैं, राहुल द्रविड़ को देखते हैं और सौरव गांगुली, वो पाकिस्तान में था, वो तस्वीर भी इसके जड़ में है, वो बाद में आई थी, वो बाद में आई थी, लेकिन हाँ वो भी उसको बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी बताएंगे आपको। अच्छा वो क्या हुआ श्वेता, उसके बाद किसी को नहीं अंदाजा, ऑब्वियसली टीम के अंदर ये सब चल रहा था लेकिन अंदाजा नहीं था। अब सौरव ने जिस दिन 100 बनाया, तारीख शायद 15 सितंबर थी, मैं एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ, तारीखें भूल जाती है ना आजकल, इतने दस्तावेजों के साथ क्यों करते हैं आपसे बहुत सवाल नहीं, क्योंकि श्वेता देखिए बड़े बड़े अरसे से हमने व्यूअर्स को ये प्रॉमिस किया था और हम नहीं चाहते कि फैक्चुअली कोई भी गलत बात हो। उस वक्त मेरे और श्वेता दोनों पर ये इल्जाम लगता था और आज तक चैनल पर भी लगता था कि हम प्रो सौरव गांगुली हैं और ग्रेग चैपल जो है वो हमसे नफरत करते थे, हमारे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन शायद ग्रेग चैपल ये ज़रूर समझते थे कि हमारी कोई इंटेंट नहीं थी जिसमें इंडियन क्रिकेट की कोई नुकसान हो। नहीं ऐसे भी विक्रांत, हमारे लिए इंडियन क्रिकेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल, और इंडियन क्रिकेटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दैन एक विदेशी कोच। तो 15 सितंबर 2005 बुलावायु टेस्ट मैच में दादा ने 100 बनाया और दादा पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमने बड़ी कवर की हैं। एक जर्नलिस्ट थे बंगाल के, उनको तो पता था कि अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने दादा से सवाल कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या कुछ ऐसा हुआ था कि टेस्ट मैच आपके खेलने पर डाउट था, और सौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया
कि हाँ मुझे कोच ने कहा था कि तुम मत खेलो। आग लग गई हिंदुस्तान में। उस वक्त तकरीबन रात के 8:30 बज चुके थे और मुझे याद है श्वेता 8:30 हिंदुस्तान में बजे थे और वहाँ पर जिम्बाब्वे में तो शायद 5 के करीब का टाइम था। उसी वक्त चूँकि स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स थे, उन्होंने हर्षा भोले को भगाया। उनको भी पता चला कि ये हंगामा होगा, उनको भी नहीं पता। और हर्षा ने जाकर वो 45 सेकंड का क्लिप आपको यूट्यूब पर मिलेगा, पूछा सौरव को। और सौरव की अच्छा सौरव में एक चीज़ थी, वो आपको बता भी देंगे और फिर कह देते हैं नहीं ऐसा है नहीं है। तो ग्रेग चैपल के बारे में हर्षा भोले ने डायरेक्ट सवाल पूछा कि सौरव वर देयर एनी सजेशंस कि आप ना खेलें इस टेस्ट मैच में। सौरव ने गोलमोल में ये बोल दिया कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। आग लग गई और उसके बाद आग क्या हुई हिंदुस्तान में उस वक्त शायद श्वेता एंटी सौरव गांगुली ज़्यादा लॉबी थी। हाँ, बोर्ड में भी ये एक धारणा थी कि इनको पसंद नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि उस समय नए खिलाड़ियों का एक दौर चल रहा था और लगता था ऐसा कि शायद एक युवराज सिंह, महेंद्र सिंह, मोहम्मद कैफ, ये सारे मिलकर एक बेहतर टीम बना सकते हैं। बनिस्पत इसके कि पुराने जो खिलाड़ी रहे, सचिन के लिए तो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके जाने के बाद भी रहा है आज तक, लेकिन उन खिलाड़ियों को लेकर जरूर थी ये। देखिए अभी हम आपको कहानी बता रहे हैं, पीछे की कहानी भी बताएंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको तर्जुमा दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा और श्वेता का उस वक्त जो व्यू पॉइंट था बड़ा क्लियर था और बड़ा हार्ड हिटिंग था। उससे हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों को हर्ट भी हो, क्योंकि कई खिलाड़ियों का रोल उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। खैर उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया टेस्ट मैच, भारत जीत गया। और फिर आपको याद है वो स्नूकर खेला गया था, वो पैचअप कराया गया दोनों के बीच। एक जॉइंट स्टेटमेंट ग्रेग चैपल ने पढ़ी, उसमें कहा कि मैं सौरव की इज्जत करता हूँ, सौरव महान खिलाड़ी है, महान कप्तान है। और दोनों ने स्नूकर खेली थी, वो फिर वो टेलीवाइज भी हुआ था, वो दोनों आपस में पूल खेल रहे और दोस्ती हो गई। वैसे आपको ये भी बता दें कि दरअसल एक तो सौरव गांगुली वाला एपिसोड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक वीरेंद्र सहवाग का एपिसोड जिसके बाद धोनी और सहवाग की लड़ाई की बात हुई थी, उसके बाद मीडिया को बैन कर दिया गया था बीसीसीआई द्वारा। या आप लोग मत जाइए, अब उनकी जितनी समस्याएं होती हैं उसमें जो बोर्ड का फेवरेट रहेगा उसकी चलेगी और बाकी सब दूर रहेगा। हकीकत है, लोकतंत्र खत्म किया गया। सही बात है। और उसके बाद क्या हुआ, खबर बड़ी कहां से हुई जब दोनों का पैचअप हो गया, लेकिन खड़ी बड़ी खबर कहां से हुई, एकदम एक ईमेल लीक हुआ कोलकाता के आनंद बाजार पत्रिका में, गौतम भट्टाचार्य ने किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौतम भट्टाचार्य को वो ईमेल कहां से मिला। हालांकि वो कहते हैं कि मैं होटल ग्राउंड में प्रैक्टिस चल रही थी और मीडिया सेंटर के पास ग्रेग चैपल का लैपटॉप था, वो ग्रेग चैपल उठकर गए, मैंने ईमेल पढ़ लिया। और ईमेल था शायद जगमोहन डालमिया को, और उस ईमेल में सौरव गांगुली कैसे ड्रेसिंग रूम तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बांट रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ, ये सब तमाम चीज़ें ग्रेग चैपल ने एलिगेशंस लगाई थी सौरव पर। वो ईमेल जब लीक हुआ, अखबार में छपा, तो हिंदुस्तान में तो लग गई आग। आधे लोग सौरव गांगुली को और आधे लोग जो हैं ग्रेग चैपल को गाली देना शुरू हो गए। यानी कि वहाँ पर भी अब उसके बाद तो फिर चिंगारी यहाँ पर और फिर आग लग गई। आग कैसे लगी, अगले टेस्ट मैच से एक दिन पहले सौरव गांगुली, ग्रेग चैपल, राहुल द्रविड़, कुछ और खिलाड़ी और अमिताभ चौधरी जो आज बोर्ड सेक्रेटरी हैं, वो मैनेजर थे आपको याद है, झारखंड के क्रिकेट प्रमुख हुआ करते हैं, तो मेरा उस वक्त तो पुलिस ऑफिसर भी थे, आईपीएस ऑफिसर थे। एक ऑपरेशन में वो चोटिल हुए जिसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ा अपना प्रोफेशन, और उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बने झारखंड के, और साथ में उन्होंने क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाली। तो हालांकि वो बहुत ही इशारों में ही आपको खबरें देते हैं, धोनी की शादी से जुड़ी क्लोज थे वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए आप ट्रस्ट भी करते हैं, एक पत्रकार को आप ट्रस्ट करते हैं तभी आप बताते हैं, क्योंकि एक पत्रकार अगर आपकी खबर का गलत फायदा उठाएगा तो कोई उसको ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन वो सौरव के साथ खड़े रहे, उन्होंने कहा कि सौरव गलत नहीं है इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि उनको ही अपना रिपोर्ट, और मैनेजर ने ही जो आकर बोर्ड को रिपोर्ट दी उसी से सौरव बचे, नहीं तो सौरव को तो ऐसा लग रहा था कि चबा जाएंगे ग्रेग चैपल, क्योंकि कोच बहुत बड़ा हो गया था। और कुछ सीनियर खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं उस वक्त उस ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ी कौन थे, वो सौरव के साथ नहीं थे। खैर उन सीनियर खिलाड़ियों ने भी कुछ महीने बाद सफर करना था। तो हुआ क्या, ड्रेसिंग रूम में हो गई लड़ाई, ग्रेट सौरव गांगुली कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा अगला टेस्ट मैच, और सौरव गांगुली ने अपना किट बैग पैक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि राहुल द्रविड़, अमिताभ चौधरी को बुलाया गया और पैचअप हुआ, जिसपे दादा ने कहा कि राहुल द्रविड़ को कहा कि जामी तुम क्यों पढ़ रहे हो इसमें, मुझे नहीं, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि यू आर नॉट पार्टी टू इट, तुमको अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो
उन्होंने कहा कि अगर तुम जाओगे तो मैं ही तो अफेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं कैप्टन हो रहा हूँ उसके बाद, तो मैं तो पार्टी हूँ। राहुल द्रविड़ परेशान हो गए कि यार तुम कैसे कह रहे हो सौरभ कि मैं, मेरा है ना भाई, अगर तुम चले गए तो कप्तानी तो मैं करूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। खैर उस वक्त तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कुछ किया ही नहीं जा सकता था। और फिर ये हुआ कि जैसे तैसे टेस्ट सीरीज खत्म हो, भारत की टीम ने मुंबई की फ्लाइट ली, उधर से हरारे से टीम मुंबई और यहाँ से श्वेता उड़ी दिल्ली से मुंबई। वो आप कहानी बताइए, क्योंकि जो बोर्ड की हियरिंग थी वो रखी गई थी शायद 26 सितंबर को, जिस दिन देवानंद का जन्मदिन था और उसी दिन हम दोनों देवानंद को मिले और उसी होटल के बाहर मिले जहां पर हियरिंग थी, इसलिए मुझे तारीख याद है। ये विक्रांत की पहली मुलाकात थी, पहली नहीं दूसरी मुलाकात, एक बार ऑफिस में मिल चुके थे। तो श्वेता आप पहुंची मुंबई? मैं पहुंची मुंबई और ये आप रख सकते हैं, अब मुझे कागज नहीं चाहिए, मुझे याद है होटल का लॉबी था वो बिल्कुल जैम पैक्ड था, वहां पर सारे पत्रकार। ये कौन से होटल में था? हायत में था पहले, मैं भूल रही हूँ। हाँ, मेरे का हायत में टीम रुकी थी एयरपोर्ट के पास, आई थिंक सो। हाँ, ये एयरपोर्ट के पास का होटल है मुंबई, और वहां पर पूरी टीम आ गई, बाकी भी टीम आई थी जहाँ से, सब अपने अपने घर के लिए वहाँ से, लेकिन सौरभ वहीं पर रुके, अमिताभ चौधरी वहीं पर रुके। अब आप किसी को पहचानते हैं तो आपको एक्सेस ज़्यादा रहता है, लेकिन अचानक मैंने देखा कि मेरे नाम का बोर्ड लेकर कोई घूम रहा है, तो मैंने जाकर पूछा, तो कहा कि दादा बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ये जानना चाहते थे। पर आप अंदर की बातें बता रही हैं और इसीलिए नहीं श्वेता, लेकिन अच्छी बात है, हकीकत है, क्योंकि उस वक्त अमिताभ चौधरी ने एक बार सौरभ गांगुली के खिलाफ भी बोला था, उन्होंने कहा था कि देखिए एक पैक्ट हुआ था और सौरभ को ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं करनी थी और सौरभ ने वो, लेकिन दादा ने इस कॉल पर जो रिसेप्शन पर कॉल करके उन्होंने बात की, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा उसमें, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे से की हो बे। ये तो दादा हमेशा आज भी पूछते हैं, होलो की हो बे, जब हम उनसे पूछते हैं आप टिकट ले रहे हैं कि नहीं, लड़ रहे हैं कि नहीं इलेक्शन, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं और खबर बताओ कौन जीत रहा है। तो उन्होंने सिर्फ ये जानने की कोशिश की। अब मेरे मन में ये सवाल उठा कि अगर दादा खुद नहीं जानते हैं कि क्या चल रहा है, यानी ये तो पता लगाने की जरूरत है। उसके बाद मैंने अमिताभ से बात की, अमिताभ बॉम्बे में ही थे। हाँ, और काफ़ी देर रात तक वो जगे रहे, उन्होंने वो करीब मुझे लगता है 2 बजे रात तक वो अपनी रिपोर्ट बनाते रहे थे, देखने नहीं दिया, झांकने नहीं। ये हियरिंग से कितने दिन पहले की बात है? 2-3 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे होनी थी हियरिंग। मुझे याद है शायद ये भी हुआ था कि सौरभ के जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मतलब उनके नाना जी की शायद डेथ हो गई थी और एक दिन के उनको कलकत्ता जाना था, कुछ ऐसा भी था कुछ जी, ये ध्यान तो नहीं है, लेकिन हाँ इसीलिए वो वापस आए होंगे वहां से जब वो इंडिका कार में से लिया। रात के 2 बजे तक बन रही थी। हालांकि मैंने जब उनसे बहुत कुरेद कर पूछा, उन्होंने कहा कि देखो जितना गलत सौरभ को दिखाया जा रहा है उतना गलत वो है नहीं, एक दो चीज़ें हैं, लेकिन वो राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली के बीच जो बहस हुई थी वो वाली चीज़ उन्होंने सुनाई थी मुझे, जिसमें राहुल ने कहा था कि आई एम पार्टी टू इट, मैं क्यों नहीं रहूं इसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल, 2 चीज़ें उन्होंने बताई कि राहुल द्रविड़ का रोल बहुत पॉजिटिव रहा इसे सुलझाने में, और सौरभ गांगुली के लिए कहा कि उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है हर तरफ से, उसका जो रिएक्शन है वो मैं गलत मानता हूँ, लेकिन उस रिएक्शन के पीछे जो चीज़ चल रही है वो गलत चल रही है। और उस वक्त क्या हुआ था, हरभजन सिंह वाहिद खिलाड़ी थे जो सौरभ गांगुली के लिए खड़े हुए, और सौरभ गांगुली के लिए हरभजन सिंह ने बोला था कि वो हमारा कप्तान है और उनके साथ गलत हो रहा है। और उस वक्त क्या हुआ, बोर्ड एक्चुअली बटा हुआ था, एक था डालमिया कैंप जिसमें रणबीर महिंद्रा थे बोर्ड प्रेसिडेंट और उनका भी बड़ा सुलझा हुआ रोल था, और दूसरी तरफ थे राज सिंह डूंगरपुर, आईएस बिंद्रा, ये सब लोग थे, और राज सिंह डूंगरपुर की इज्जत बहुत थी, लेकिन उन्होंने सौरभ गांगुली को गाली दी, उन्होंने जगमोहन डालमिया को गाली दी और उन्होंने हरभजन सिंह को कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, हालांकि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने सिर्फ एक वार्निंग देकर हरभजन को छोड़ दिया था। उसके बाद हियरिंग डे 26 सितंबर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, वेंकट राघवन, शायद ये 3 थे और 3 बोर्ड के लोग थे, शायद बोर्ड प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे और कोई एक और था, और 3 लोगों को उनको मिलना था शायद, या नहीं मेरे ख्याल एक तो सौरभ को मिलना था, अमिताभ चौधरी को मिलना था, ग्रेग चैपल को मिलना था और शायद 1-2 खिलाड़ी थे श्वेता। नहीं विक्रांत, उस दिन तो सिर्फ यही 3 आए थे जो बॉम्बे ताजमहल होटल में हुआ था, अपोलो बंदर, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने, बिल्कुल उसमें रहने लगे थे बिल्कुल। और सुबह से जब ड्यूटी लगी तो सुबह हम लोगों को चैट देना होता है बाहर खड़े होकर, ओबी वैन के साथ खड़े होकर अंकल सवाल, दिन का बिल्डअप चल रहा है, हाँ आप जवाब देते रहते हैं। और उस वक्त एक शूटिंग चल रही थी एक फिल्म की, और हमने बहुत झांक, विक्रांत डाई हार्ड फैन है देवानंद के, पता है सबको, और वहाँ देवानंद की शूटिंग चल रही थी,
उसके बाद तो मुझे पता था कि कुछ देर मुझे संभालना है चैट और विक्रांत गायब होने वाले हैं, तो वो हुआ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आया था, लेकिन वो वहां से चले गए, उसके बाद हम वापस ऑन ड्यूटी। बिल्कुल। तो उस दिन हमने देखा कि फिजियो भी गए थे वहां पर, उस वक्त वो थे लिपस, नहीं उनसे पहले वाले कोकिनोस, जॉन ग्लॉस्टर जॉन ग्लॉस्टर थे, वो गए थे उस हियरिंग के लिए। फिजियो मैनेजर, हाँ आप, खिलाड़ी नहीं गया था कोई, फिजियो मैनेजर ग्रेग और अमिताभ, और अमिताभ मैनेजर हो गए। हाँ, तो एक एक करके हो रहा था सबका, उसमें फिर हम लोग कुछ देर यहाँ बाहर चैट देने के बाद हम अंदर गए, जहाँ पर ग्रेग चैपल जा चुके थे, मुझे लगता है सौरभ लास्ट में जाना था, सौरभ को लास्ट था, नहीं सौरभ का सेकंड लास्ट था, मेरे को एंड में शायद अमिताभ को जाना था लास्ट होगा मैनेजर, जिसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था किसी का, क्योंकि कुछ निकलना नहीं था, कोई स्टार वैल्यू नहीं था जुड़ा हुआ। ग्रेग चैपल जब निकले तब विक्रांत ने उनसे सवाल पूछा लिफ्ट के बाहर, याद है आपको? बिल्कुल। कितने बहुत हुजूम था, कच्चा जमा जाऊंगा वाला लुक दिया था उन्होंने आपको। और मैंने पूछा और श्वेता ने पूछा, मतलब वैसे ही हम मार्क थे, मैं तो साइड में छुप रही थी, हम दोनों मार्क थे, ग्रेग चैपल तो ऐसे घूरते थे जैसे खा जाएंगे। अच्छा खैर, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मुझे भूल रहा है, मुझे पूरा याद नहीं है। खैर उन्होंने मेरे ख्याल ये कहा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, अब मुझे याद नहीं है। एक चीज़ ग्रेग चैपल की जरूर मुझे याद है, जब वो कोच हुआ करते थे, हम ट्रैवल करते थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बहुत बोलते थे, नथिंग मोर नथिंग लेस। और एक दिन उन्होंने ऐसे किया और जो तीन चार माइक थे वो सारे के सारे ऐसे हाथ से गिर गए। तो उसके बाद श्वेता याद है आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे होनी थी, ये हियरिंग हो चुकी थी। अब आज हम नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं, अपने सोर्सेस को नहीं करना चाहिए। श्वेता ने अमिताभ से बड़ी डिटेल में बात की और उस वक्त मुझे लगता है कि अमिताभ ने हमें ये बताया था कि बोर्ड का व्यू क्या है, क्योंकि ग्रेग चैपल का व्यू, सौरभ गांगुली का व्यू, ये सुलझाया बहुत अच्छे तरीके से गया था, उसमें बहुत बैलेंस था उस पूरे व्यू में। लेकिन उसी सब के बीच जब दादा आए सौरभ गांगुली, तो अचानक हलचल मची कि सौरभ गांगुली, हम सब दौड़कर बाहर गए कि सौरभ गांगुली। अब फ्रेंकली मैं इंतजार कर रही थी मर्सिडीज, मैं इंतजार कर रही थी ऑडी। अब सुनिए ये बड़े ध्यान से, ये इंडिया के कप्तान हियरिंग के लिए आ रहे हैं किसी और होटल से, ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया अपोलो बंदर, अब सुनिए। और वो अचानक एक बहुत पुरानी सी इंडिका टैक्सी आकर हमारे पोर्च में रुकी, किसी का कैमरा उस तरफ पॉइंटेड नहीं था, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला, खुद से अपना सामान उठाया, ये आप देखिए एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन इंडियन टीम के कैप्टन के लिए जनरली ये परंपरा नहीं रही। हाँ, मतलब मैंने इंडियन टीम का कैप्टन छोड़ दीजिए, चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, सचिन हो, कुंबले हो, मैंने कभी नहीं देखा कि अपने सारे सामान को एक साथ उठाए हुए। एक बैकपैक या किट बैग डिफरेंट है, सही बात, लेकिन वो आए और उसके बाद सारे कैमरे उस ओर मुड़े और मैंने तो विवाद को छोड़कर मैंने पूछा, दादा इंडिका? दादा ने कहा हाँ रे, होता है कभी कभी तो होता है। मतलब वो हाँ। सौरभ बहुत प्रेशर में थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सौरभ इस बात को समझते थे कि इस बार पंगा जो है वो सीधा कोच से है, और वो ये भी जानते थे कि बोर्ड में शायद उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। सौरभ बहुत ज़्यादा चिंतित तो थे, देखिए ये तो हम भी समझ गए थे कि सौरभ की कप्तानी अब जाएगी। अब वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कितनी देर तक, कब तक के बकरे की नानी अम्मा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये तो हो गया था कि सौरभ की कप्तानी जाएगी, मैटर ऑफ टाइम, कब जाएगी पता नहीं। तो खैर वो हियरिंग होती रही होती रही, उसके बाद बीच में एक पीरियड आया जहाँ पर जो पार्टीज थी वो अपने अपने कमरे में चली गई। ये श्वेता का रूम था शायद उस मंजिल पर जहाँ पर सौरभ का भी रूम था, और मेरा शायद ऊपर वाली मंजिल पर था, कुछ ऐसे ही था। इस दौरान क्या हुआ कि बोर्ड प्रेसिडेंट रणबीर महिंद्रा और जो गावस्कर, शास्त्री और मेरे ख्याल वेंकट राघवन, इन सबकी आपस में मीटिंग हुई। श्वेता ने फ़ोन लगाया अमिताभ चौधरी को और पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली। इधर मैंने सौरभ को फोन किया, नहीं मुझे बहुत चंचन की इन्फॉर्मेशन मिलती थी। हाँ। ऐसे में भी अमिताभ ऑफिशियल है नहीं, बट पॉजिटिव रोल था, देखिए श्वेता को नहीं, अमिताभ ने नहीं बताया मुझे, सौरभ ने लेकिन बता दिया। अब देखिए हर कोई अपना अपना पक्ष रखता है। ग्रेग चैपल से हमने कोशिश ही नहीं की क्योंकि ग्रेग चैपल हमारे से बात भी नहीं करते, उनका व्यू पॉइंट वो 3-4 जर्नलिस्ट से बात करते थे, उनको उन्होंने ऑब्वियसली रखा होगा। उसके बाद वो ईमेल भी रखा गया जो ग्रेग चैपल ने सौरभ के खिलाफ लिखा था, और सौरभ ने और ग्रेग ने ये बोला कि निरंजन शाह भी थे उस, शायद निरंजन शाह से मुझे मिला था इन्फॉर्मेशन, अब मैं सोच रही हूँ उतने साल पहले मुझे किसने बताया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सौरभ ने फोन किया और हमें पूछा कि हमारा रूम नंबर क्या है। तो मैंने कहा कि दादा मैं तो इस फ्लोर पर हूँ और श्वेता का आप ही की फ्लोर पर रूम है। तो दादा ने कहा, दादा अच्छा देखिए, इस सब के बीच बड़ी टेंशन, और वो मनहूस लाल बैग भी उन्होंने टांगा हुआ था, वो कहते चाहे तो पिलाओगे। तो हमने श्वेता के रूम में दादा को बुलाया, चाय मैंने बनाई, और तीनों हम चाय के शौकीन हैं, दादा भी, श्वेता भी और मैं भी, मैंने पहले तो चाय बनाई। हाँ हाँ, आपने बनाई थी? मैंने बनाई थी।
मैंने चाय बनाई। देखिए मैं ऐसा नहीं है ना कि श्वेता के रूम में जाके श्वेता को कहूँ चाय बनाए, ऐसे नहीं हो सकता। आई वाज अ जेंटलमैन, ऐसा लग रहा है ऑर्डर किया था हमने। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने रूम में बनाया, मैंने रूम में बनाया। अच्छा। वो जो तो फाइव स्टार होटल में रहने का ये फायदा। मैंने चाय बनाई और हमने आराम से तीनों ने चाय पी और दादा ने ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, दादा वहीं पर रहे और हमें जाना पड़ा। नहीं नहीं, हम दोनों को नीचे जाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दादा ने कहा ठीक है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं क्या होता है। और मुझे याद है, नहीं श्वेता नहीं, मैं गलत बोल गया, ये अभी हम दादा को नहीं मिले हैं। अभी क्या हुआ, हियरिंग ख़त्म हो गई और दादा ने मुझे दादा नीचे आए, हम नीचे थे, दादा नीचे आए लॉबी में और उन्होंने जब बिल्कुल इतने सारे लोगों को देखा, मीडिया लिफ्ट से ऐसे देखा और उसी लिफ्ट से वो वापस चले गए। उसके बाद सौरभ का मुझे SMS आया, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, SMS आया। सौरभ का SMS आया कि द बोर्ड इज विद मी एंड माई स्टैंड इज विंडिकेटेड। तो मैंने इससे पहले कि मैं SMS करता, सौरभ का फ़ोन आ गया। सौरभ ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाएगा कि दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कप्तान के साथ गलत हुआ और दोनों को उसके बाद ये कहा जाएगा कि अपना मन मुटाव जो है वो रिजॉल्व किया जाए। हमने खबर लिखा दी आज तक पर और उसके बाद हम भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रणबीर महिंद्रा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया और बार बार जो है वो दो तीन पत्रकार थे जो पूछ ही जा रहे थे, लेकिन सौरभ शुड बी पनिश्ड, सौरभ शुड बी पनिश्ड। और मुझे याद है रणबीर महिंद्रा, उन्होंने एक बात बोली थी कि उसको फांसी लगा दें क्या, उसको फांसी लगा दें क्या। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चल रही है, चल रही है और चार बार उन्होंने बोला कि सौरभ गांगुली और ग्रेग चैपल को गैग कर दिया गया है, अब वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, दोनों मीडिया से बात नहीं करेंगे, दोनों मीडिया से बात नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और चलिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ऑल इज़ वेल। फिर उसके बाद वो चाय वाला किस्सा हुआ क्योंकि सौरभ को शायद एयरपोर्ट जाना था। हाँ। सौरभ को एयरपोर्ट जाना है और हम तीनों चाय पी रहे हैं कि चलो यार खत्म हो गया, सौरभ अपना बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं और हमने इंटरव्यू क्यों पूछना, क्योंकि गैग लगा हुआ है। उसके बाद हम दोनों सौरभ को नीचे छोड़ने गए। उसके बाद आप बताइए जरा, तो वहाँ पर पत्रकारों की भीड़, उसके बीच में अचानक सबने उनके मुंह पर माइक लगा दिया। अब एक रिपोर्टर होता है ना, अगर आपके हाथ में माइक नहीं है और बाकी सबके हाथ में माइक है, तो हमारा ही माइक नहीं था तो आप समझ लीजिए कि आपसे उस दिन दफ्तर में न सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे बल्कि लगभग शोकॉज हो जाता है। और उस समय हमें समझ नहीं आया क्योंकि हम तो पर्सनल अपना बिल्कुल छोड़ने आए थे, उन्हें सी ऑफ करने आए थे और हमने पूछा भी नहीं, इंटरव्यू तो हमारे ऊपर पड़ गया। लेकिन उसमें मुझे याद है उन्होंने जॉइंट बाइट्स में कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने सौरभ ने जॉइंट बाइट्स में ये बोला कि आई हैव बीन टोल्ड बाय द बीसीसीआई नॉट टू से एनीथिंग। उसके बाद उन्होंने कहा विक्रांत कैमरा कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारा कैमरा कहाँ है, मैं तो शेल और कैमरा तो था वहां पे। फिर मैं ऊपर भाग कर गई, प्रवीण पाटिल थे शायद। हां, उसके बाद मैं ऊपर भाग कर गई, मैं माइक लेकर आया, विक्रांत ने पकड़ा और वहां पर फिर। और मैं आपको बताऊं, आपने वो झांसी की रानी के बारे में सुना है, हुआ क्या, वो पत्रकार ही पत्रकार और सौरभ ने कहा कैमरा ऑन करो, आज तक का प्रवीण पाटिल आए और ऑब्वियसली मैं समझ गया था यार ये कुछ बड़ा हो गया। तो मैंने सौरभ से पहला सवाल किया, अब दूसरा जा ही रहा था कि बाकी माइक्स जो हैं वो लोगों ने घुसाने उसमें शुरू कर दिए और श्वेता ने उसके बाद मुझे याद है ऐसे किया हाथ और श्वेता ने ऐसे रोक दिया एकदम, कोई नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव में आप एक चेहरा देखते हैं टीवी पर, लेकिन सोचिए कि उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के पीछे कितना एफर्ट होता है। ख्याल कोई फ्रेम में आया था आपने जब सबको हटाया, क्योंकि सौरभ सिर्फ हमारे से बात कर रहे थे और सौरभ ने वो 4-5 मिनट का ही इंटरव्यू दिया मुझे याद है। और लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि कप्तान की सुनी जानी चाहिए, ये बातों बातों में दादा की एक बात है, वो बोल जाते हैं जो उन्होंने बोलना होता है और अगर छिपाना है तो बड़े प्यार से उसको भी छिपा जाते हैं। लेकिन दादा ने दिल खोल कर बोला और उसके बाद फिर उसी इंडिका कार में वो चले गए, लेकिन हमें इंटरव्यू मिल चुका था। लेकिन फिर मैंने उन्हें कभी इंडिका कार में नहीं देखा, उसके बाद तो नहीं देखा। लेकिन देखिए उसका असर ये हुआ कि इंसिडेंटली वो सौरभ गांगुली के जो लास्ट दो टेस्ट मैच थे ना एज कैप्टन, वो दोनों जीते थे, वापस आए। अब सौरभ से गलती कहाँ हो गई, उस टाइम पे आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर के वो होती थी टेनिस एल्बो, एक साल पहले सौरभ ये डिबेट तो चल रहा था उस वक्त, ग्रेग चैपल और किरण मोरे चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी और किरण मोरे वाज इंक्लाइंड कि वो चाहते हैं कि ये बने करते थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो ग्रेग चैपल के साथ थे। और बहुत दो तीन बड़े सीनियर खिलाड़ी बहुत बड़े जिन्होंने बाद में ग्रेग चैपल का दूसरा रूप देखा, उन्होंने भी किरण मौर्य को इंडिकेशन दे दी थी कि अब राहुल द्रविड़ को वक्त आ गया है कप्तान बनने का। इस दौरान बोर्ड भी बदल चुका था, लेकिन ये भी साथ में क्लियर कर दें कि राहुल उसमें से एक नहीं, नहीं राहुल द्रविड़ नहीं, राहुल द्रविड़ लेकिन श्वेता इस दौरान बोर्ड भी बदल चुका था क्योंकि इलेक्शन में शरद पवार का खेमा आ चुका था और जगमोहन डालमिया खेमा हार चुका था।
तो अब तो सौरव गांगुली जो हैं वो अकेले। हुआ क्या, चंडीगढ़ में चैलेंजर ट्रॉफी थी आपको याद होगा और डिबेट था, मेरे ख्याल 7 वनडे खेलने श्रीलंका ने आना था, 5 वनडे खेलने साउथ अफ्रीका ने आना था या उल्टा था। ये वही टूर था जिसमें 2005 जा रहे थे अपना इंटरव्यू करने दादा से, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो नहीं उससे पहले साल में, तो युवराज सिंह नीचे से आ रहे थे और उन्होंने कहा बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। मुझे मतलब नहीं आज तक समझ में आया कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों था, तो आप भी सोचिएगा क्यों कहा होगा गुलाटी। अच्छा हुआ लेकिन ये कि चैलेंजर ट्रॉफी थी चंडीगढ़ में और शायद मैं, हम वहाँ पर घर अपना शिफ्ट हो रहा था, मेरे पेरेंट्स जो, और मैं वैसे गया हुआ था, हमारे विमल कुमार गए हुए थे हमारे संवाददाता और शामदास गुप्ता भी गए हुए थे। और हुआ क्या कि सौरव वो मिसकैलकुलेट कर गए, सौरव चैलेंजर ट्रॉफी खेलने नहीं गए। और यकीन मानिए अगर उस वक्त सौरव गांगुली चले जाते ना चैलेंजर ट्रॉफी खेलने तो उनको कप्तानी से कोई हटाता नहीं। नहीं अभी बोर्ड के इलेक्शन नहीं हुए थे, जगमोहन डालमिया ही कंट्रोल कर रहे थे, मुझे याद आ गया। तो सौरव गांगुली ने मुझे फ़ोन किया पूछने के लिए, मैंने कहा दादा मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा अंदाज़ा लेके आता हूँ। और अंदाज़ा ये मिला कि सौरव गांगुली परसों कप्तानी से हट जाएंगे। आपको याद है आज तक पर हमने ब्रेक भी किया, परसों सौरव गांगुली की कप्तानी चली जाएगी, राहुल द्रविड़ को 12 वनडे मैचों के लिए कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली जिस दिन कप्तान चुना जाएगा उस दिन सौरव तो अनफिट है, वो तो टेनिस एल्बो की चोट से पीड़ित है। उन्होंने मैं तो ठीक हो जाऊंगा 4 दिन में, मैंने कहा नहीं दादा ये खबर यही है, रात के 12-1 बजे की बात है। और दादा ने कहा कि अच्छा तब तक ये भी था कि अगर जगमोहन डालमिया प्रेशर डाल देंगे तो दादा की कप्तानी बच सकती है, लेकिन तब तक 48 घंटे पहले तक जगमोहन डालमिया का कोई फ़ोन नहीं आया था। मैंने दादा को बताया रात के 1 बजे और आज तक पर हमने 10 बजे ब्रेक किया था मुझे याद है। और श्वेता अगला दिन वो सारी की सारी कयास लगते रहे, ये होगा वो होगा। और उसके अगले दिन जब एसके नायर होते थे बोर्ड सेक्रेटरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहाली के पीसी स्टेडियम में बोला कि राहुल द्रविड़ इज़ द कैप्टन फॉर द नेक्स्ट 12 गेम्स और सौरव गांगुली टीम में नहीं चुने गए थे, ये कहा गया था कि ही हैज़ टू प्रूव हिज फिटनेस। उसके बाद तो सौरव की कप्तानी गई और अगले महीने उनको टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। चेन्नई पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जैसे तैसे रख लिया, अगला टेस्ट मैच दिल्ली जब सचिन ने वो 35वां 100 बनाया, और याद है आपको उसके बाद हम इंटरव्यू करने गए सौरव के रूम में और सौरव गांगुली तीसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप हो चुके थे। और उसके बाद पाकिस्तान का दौरा, तो इसी के साथ हमारा अध्याय नहीं थोड़ा सा दे देते ना, पाकिस्तान का दौरा, पाकिस्तान में सौरव गांगुली अब सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन एक रात वो 11 बजे शरद पवार के घर मीटिंग करने आए थे, तब तक शरद पवार बोर्ड प्रेसिडेंट बन चुके थे, सर्दियों के दिन थे। और शरद पवार कहते हैं कि उन्होंने तब ये कहा कि नहीं देखिए आपने कप्तानी ले ली ठीक है, लेकिन सौरव की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और वो इज्जत होनी चाहिए उस खिलाड़ी की। और सौरव पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की वो तस्वीर है लाहौर टेस्ट मैच जिसमें पहले दिन राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली आमने सामने हैं और ग्रेग चैपल देख रहे हैं वो विजुअल्स, वो बहस हो रही थी। सौरव ने कहा कि मैं ओपन कर लूंगा, राहुल द्रविड़ ने कहा ओपन मैं करूंगा, और उनके आपस में बहस चल रही थी और ग्रेग चैपल राहुल द्रविड़ को ऐसे देख रहे थे गुस्से में कि तू पागल है, तू ओपन करेगा इसको करने दे फेल होने दे। अगला टेस्ट मैच फैसलाबाद में सौरव ड्रॉप हो गए, कराची टेस्ट इंडिया हार गया, वनडे में सौरव ड्रॉप, और उसके बाद 8-9 महीने सौरव गांगुली वॉज आउट। बड़ी मुश्किल से डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए कमबैक तो हुआ, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं ईरा ऑफ सौरव गांगुली। और अभी भी होते हैं, देखिए बड़े खिलाड़ी अभी भी रिटायर होते हैं, अभी भी खेलना ख़त्म करते हैं, कैप्टेंसी जाती है सबकी, लेकिन उतना बदसूरत नहीं होता है पूरा माहौल जितना उस समय हो गया सौरव के। तो देखिए ये तो फैक्ट है, मैं दादा का फैन क्यों हूँ, श्वेता क्यों है और आप क्यों हैं, उस वक्त तो हो सकता है आप भी सौरव से नफरत करते हों क्योंकि BCCI दुश्मन, कोच दुश्मन, राहुल द्रविड़ से नहीं बनती थी और सिलेक्टर्स जो थे वो भी इनको पसंद नहीं करते थे। सौरव की एक ऐड आई थी आपको याद होगा, खाली मैदान में बैठे हैं, शायद किसी कोल्ड ड्रिंक की थी, उन्होंने कहा था मैं सौरव गांगुली आपका दादा भूले तो नहीं। उसके बाद दादा ने मेहनत बड़ी की, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, वो हम वो छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, वैसे आप तो सिलीगुड़ी और मिले कहां, थे उनसे कहां? जब वो रणजी खेल रहे थे तब मेरे घर आए थे, तब छोटे से पंडित जी से, और पंडित जी की कहानी भी है वो भी किसी दिन के लिए शेयर करते हैं। एक पंडित जी थे चंडीगढ़ में हमारे ज्योतिष, जिनके वो अलग दिन के लिए रख लीजिए, अलग दिन के लिए रखते हैं, और वो ये कमबैक की कहानी है कि कैसे वो साउथ अफ्रीका का उनका कमबैक हुआ था। फिलहाल इजाजत ले लें। अच्छा आज सॉरी आपके सवाल नहीं ले पाए, बट आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी थी थोड़ा हिस्ट्री की तरह तक नहीं, यहाँ तो साथ के साथ टेलीविजन में तो एक हफ्ता लगता है ना TRP के लिए, श्वेता ये TRP अभी आ जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई जैसे मैंने और श्वेता ने बताई और आपको लगा कि हाँ
उस वक्त सौरभ के साथ बुरा हुआ तो आप यस लिख दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके यस का। अरे यस 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 यस। ये स्पोर्ट्स तक के जो फैंस है ना क्रिकेट के, श्वेता इनके जो दिल में क्रिकेट का है ना, वो आप चूंकि हर रोज आती नहीं, आपको अंदाजा नहीं है। मैं जिस दिन आती हूँ मेरा गला खराब। ये इतने अच्छे लोग हैं, ये बेचारे क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कभी कभी नाराज हो जाते हैं हमारे साथ, कभी इनको व्यू पॉइंट पसंद नहीं आता या कभी इनके सवाल नहीं लिए जाते, बट अगले दिन ये भी कह देते हैं कि वी लव यू। और आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि आप हैं और आपकी ताकत के कारण हमारी ताकत है। ये यस ऐसे देखिए, फ्रंटियर मेल भाग रही है। श्वेता आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना स्पोर्ट्स तक? हाँ हाँ। आप दर्शकों को भी प्लीज़ कह दीजिए, क्योंकि मैं तो रोज़ कहता हूँ लेकिन श्वेता अगर कहेंगी तो फिर उसके मायने भी बढ़ जाते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यस चल रहा है श्वेता। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच श्वेता। श्वेता का शो है खबरदार 9 बजे आज तक पर, और श्वेता को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया शायद आज तैयारी का, बट हमने वो यादें रवा की हैं। और श्वेता और बड़े किस्से हैं और बड़ी कहानियाँ हैं, मुझे लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम वो ट्रैवल करते हैं तो उसका तजुर्बा जो है ना उसको बांटना चाहिए। कुछ लोग किताब लिखेंगे, उसको कमर्शियलाइज़ कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे। मुझे लगता है कि हम चाहे अलग अलग चैनल से हो या सेम चैनल से ट्रैवल करना, लेकिन आई थिंक विक्रांत और मैंने इतने सारे टूर्स एक साथ किए हैं। अब अरे तो हम ऐसा करते हैं, एक वो बनाते ना उसका मंकी गेट, हाँ मंकी गेट, और वो श्रीलंका 2004। तब मैं News24 से आई थी, आप आज तक से आए थे। चलिए फिलहाल इजाजत ले लें। अतीत सुहेल अहमद कह रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे है सर, प्लीज आज तो मेरा सवाल ले लो, राहुल और राहुल के रिलेशन कैसे थे? सुहेल पहले तो सवाल छोड़िए, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सुहेल। श्वेता सिंह ने आपको बर्थडे विश किया है। सुहेल उस वक्त कैसे रिश्ते थे? बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बिकॉज देखिए सौरभ मुझे लगता है थोड़े इनसिक्योर हो गए थे कप्तानी को लेकर टुवर्ड्स द एंड, और राहुल थोड़े इसलिए बिटर हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये इस तरह से क्रिकेट नहीं खेली जाती, मैं कप्तान बनूंगा लेकिन ऐसे नहीं बनना चाहिए। और आप देखिए उसका नतीजा क्या हुआ, वो खींचातानी रही, वो ग्रेग चैपल का इंटरव्यू, 6 कैंसर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण, नेहरा, युवराज, हरभजन, सहवाग, सचिन तेंदुलकर सबको रगड़ दिया। हाँ। उससे नुकसान तो राहुल द्रविड़ का ज्यादा हुआ ना, वर्ल्ड कप में भारत पहले दौर में बाहर हो गया। मैं एक बात कहना चाहूंगी इसमें, देखिए दादा के पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ते और राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ते, इन दोनों में डिफरेंस है। राहुल द्रविड़ कभी भी वो स्कीमिंग प्लॉटिंग वाले खिलाड़ी नहीं रहे हैं। हाँ थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे तो सब उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करते थे, लेकिन उस पूरे एपिसोड में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे भले ही कि दादा इतनी जल्दी अपना टेंपर क्यों लूज कर देते हैं, इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं था कि वो रिश्ते उनकी तरफ से या दादा की तरफ से खराब थे, वो खराब करने की कोशिश आज भी इज्जत है। हाँ अभी लेकिन लेकिन सौरभ ने परसों चौथ वो बात बोली है आज तक के और इंडिया टुडे के उस कॉन्क्लेव में कि मुझे बहुत खुशी होती है, मैं देखता हूँ विराट कोहली आज के कप्तान पिछले कप्तान धोनी को कैसे ट्रीट करते हैं, काश मेरे साथ ऐसा होता। अब उनका इशारा आप, इसलिए मैंने कहा कि दादा की तरफ से और राहुल द्रविड़ की तरफ से बहुत बड़े खिलाड़ी थे, राहुल द्रविड़ बहुत बड़े खिलाड़ी थे। फिलहाल इजाजत दीजिए यार, हैव अ गुड डे।